बुआ जी डैड नजर नहीं आ रहे। यही मैं सोच रही हूँ, वीर प्रताप अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, हमने सुबह बैटरी तो उन्हें दी थी। मैं जाकर देखती हूँ। हम भी चलते हैं। आओ राज। हाँ चलो। वीर प्रताप क्या बात है, नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आए? ससुर जी आपकी तबीयत तो ठीक है, सुबह जब हम चाय लेकर आए थे तब तो आपका ये हाल नहीं था और अब तक आपने चाय भी नहीं पी है। राज किसी डॉक्टर को फोन करके बुलाओ तो। हाँ चंदनी। नहीं राज नहीं। वीर प्रताप अपनी बीमारी को छुपाओ मत, अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है। कमाल है, आप तो खामखा चिल्ला रहे हैं ससुर जी। बुआ माँ ज्यादा चिल्लाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिमाग की रगों पर स्ट्रेन पड़ता है। वीर प्रताप क्या हो गया है तुम्हें? देखो हमें कितनी अच्छी बहू मिली है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। तुम्हें सबसे पहले बेटी मिली थी और मुझे और राज को बाद में, और तुमने वो भी ही नहीं। जानी बेटी जाओ वीर प्रताप के लिए एक कप चाय लेकर आओ। अच्छा डैड मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आज के दिन आप आराम कर ले, रिलैक्स। चलो राज। हमारी मानो तो किसी डॉक्टर को बुला लो। नहीं चांदनी, अगर एक बार उन्होंने इनकार कर दिया है तो फिर वो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स गो। क्या बात है वीर प्रताप, इतने परेशान क्यों हो? और ऐसी भी क्या परेशानी कि तुमने खाने पीने के साथ साथ घर से निकलना भी बंद कर दिया है? एक बार बुआ जी और राज को बोलकर क्यों नहीं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते? इस तरह तो तुम एक जगह बैठे बैठे पागल हो जाओगे। जाओ यहाँ से। ना ना वीर प्रताप ना, चिल्लाओ नहीं वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमाग की रगें तन जाएंगी और हो सकता है उसकी वजह से तुम पागल। मैंने कहा जाओ यहाँ से। निशानी, पागलपन की निशानी। जा रही हूँ वीर प्रताप, मगर इतना याद रखना सोना नहीं, अगर सो गए तो कभी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। जागते रहना, जागना ही तुम्हारी जिंदगी है और सोना मौत। क्या बात है वीर प्रताप, इतने परेशान क्यों हो? और ऐसी भी क्या परेशानी कि तुमने खाने पीने के साथ साथ घर से निकलना भी बंद कर दिया है? एक बार बुआ जी और राज को बोलकर क्यों नहीं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते? इस तरह तो तुम एक जगह बैठे बैठे पागल हो जाओगे। नहीं, नहीं। अगर मैंने राज और दीदी से कह दिया तो वो दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों की हमदर्दी चांदनी के साथ है, चांदनी के साथ है।